बीमार है यार, बाप बीमार हुआ पड़ा तेरी तो परेशानी से। उन्हें भी अंदर डलवा दूं? पैसे दे मुझे लाके, ये तो दफा हो यहाँ से, चल चल यहाँ से खड़ा हो। पति परमेश्वर हो अगर है पता ना तुझे, इधर माँ बीमार बाप बीमार सिर्फ तेरी इसी हरकत हो। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ रोबिन एंड रोबिन के प्रैंक में आपका स्वागत है। गाइज, हमारे साथ हैं अक्षय, और अक्षय की जो परेशानी है, इनकी पत्नी ने इन पर झूठा दहेज का केस लगाया। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, और जिस तरह से लोगों ने पहले कॉन्टैक्ट किया हमें, इन्होंने भी हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट किया। ठीक है, तो अक्षय एक बार हमारी जनता को बताओ, किस तरह से आपकी वाइफ ने आपको परेशान किया हुआ? बहुत परेशान किया हुआ, रोज़ खाना नहीं बना के देती, घर वालों से रोज़ लड़ती है, माता के साथ रोज़ लड़ती है, तो मेरे को से रोज लड़ती है। अच्छा, तो अभी उसने केस डाल दिया है? केस डाल दिया, और मेरे से 5 लाख रुपया मांग रही है। कहाँ से दूंगा मैं 5 लाख रुपया? ना मेरे पास नौकरी है, घर में माँ बीमार है, ना माँ के पास कोई पैसे है कोई दवाई लेने के लिए, कहाँ तो से दूंगा? अभी वो आपके साथ रह रही है, मायके चली गई है? पता नहीं कब से मायके पे चली गई है, ना वापिस आ रही है। अच्छा, घर में ही बड़ी दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने ट्राई किया उसके माँ बाप से बात करने का कि वो क्यों? बहुत ट्राई किया मैंने उसको फ़ोन करने का, डेली फ़ोन करता हूँ, बट वो फ़ोन ही नहीं उठाती है। अब तो उसका फ़ोन भी बंद आता है कभी कभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गाइज अभी जो है, जैसा आकाश ने हमें बताया कि उनकी वाइफ ने इनसे 5 लाख रुपये मांगे, और माँ की भी तबीयत ख़राब है। आपको पता ही है कि जिस घर में माँ की तबीयत ख़राब हो और वाइफ भी छोड़ के चली गई हो, तो किस तरह से हालत होती है। ठीक है, आप परेशान ना हो। कितनी देर में आ रही है वो? आपने लोकेशन भेजी है उसे? मैंने किया फ़ोन, अभी आ ही रही होगी बस। ठीक है, तो आने दो, वेट करते हैं। ये माइक आपके पास रहेगा, मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँगा। ठीक है, आती है रिक्वेस्ट करके देखना, मान जाती है, क्योंकि हम नहीं चाहते घर खराब हो। अगर नहीं मानती है फिर हम आएंगे वीडियो में। ठीक है, ठीक है गाइज, मिलते हैं वीडियो के बीच में। ये है पैसे? साक्षी अब बैठ तो सही यार इधर। क्यों बैठूं मैं? तू बैठ तो सही इधर पहले। पैसे कहाँ हैं? नहीं है मेरे पास। कहाँ है पैसे पहले बता यार। क्यों नहीं लेके आए तू पैसे? लोग देख रहे पास नहीं है तेरे पास। क्यों नहीं लेके आए पैसे? नहीं है मेरे पास पैसे, अभी नौकरी भी नहीं है। तू ऐसी तू है, इधर बैठ, इधर बैठ तू सही, इधर बैठ। यार बात करने आया, लड़ाई के लेके आया यार। अभी नहीं, अपने बहन से धंधा कर, अपने भाई से धंधा करा, जो किसी से भी धंधा कर, अपनी माँ से करा। ठीक है, मेरे को पैसे चाहिए यार। अभी नहीं है मेरे पास पैसे, घर में ही माँ बीमार है। तो मैं क्या करूँ? जब हम पहले रिलेशनशिप में थे तब तो मैं तेरे को सब कुछ, तब तो पैसे की बात नहीं थी। तो अब पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, सब कुछ ठीक है ना? पैसे सब कुछ होता है, पैसों सब कुछ होता है। तो पहले बैठ, पैसे चाहिए मेरे को। तू बैठ के बात तो कर ले, सबको लोगों को सुना रही है। क्यों लोग तो सुनेंगे जब तूने ऐसे काम ऐसे करा यार? पैसे दे मेरे को लाके। नहीं है मेरे पास पैसे। क्यों नहीं है? नहीं है मेरे पास भाई, माँ भी घर में बीमार है। मैं क्या करूँ? माँ बीमार है तो, और माँ होगी तेरी, मेरी माँ नहीं है। ठीक है ना? तो मेरी माँ तेरी माँ नहीं है? नहीं है। उस चिड़ाल को मेरी माँ मत बोल, ठीक है ना? यार तुम माँ को क्यों बोल रही है फिर? मैं क्यों ना बोलूँ? तेरी माँ की वजह, तेरी बहन की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। तू यार बैठ के बात तो कर ले। एक नंबर की हराम है। तूने यहाँ पे लड़ने के लिए आई हुई है? बैठ के बात तो कर ले। लेने के लिए आई हूँ, पैसे दे मेरे को। ये पैसे नहीं है मेरे पास, प्लीज मेरे को माफ कर दे। नहीं है मेरे, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं है मेरे पास पैसे। क्यों नहीं है ये बता पहले, क्यों नहीं है? नहीं है मेरे पास, नहीं है नौकरी मेरे पास यार। तू दल्ला ही रहेगा, तू ऐसे लल्ला बैठा रहेगा बस यहाँ पे। यार मेरे को यहाँ पे तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को पैसे दे मेरे को मेरे। यार नहीं है मेरे पास पैसे। यार नहीं है मेरे पास पैसे, कहाँ से दूँ मेरे पैसे? क्यों नहीं है मेरे पास पैसे यार? माँ बीमार है, माँ के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं, तेरे को कहाँ से पैसे दूँ? पता मुझे तेरी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। देखो 500 हजार की बात कराई क्या है यार? इतना कुछ लेके गया हूँ, बता क्यों नहीं लेके आए तू पैसे? यार नहीं है मेरे पास पैसे। क्यों नहीं यार है? क्यों नहीं है यार? कितना कुछ किया मैंने तेरे लिए, इतना कुछ लेके तू इधर बैठ के बात करते हैं? अपनी वाइफ के लिए तो सब ही करते हैं यार। तेरे घर वालों के लिए कितना कुछ लेके दिया? घर वालों पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तू मेरे घर वालों पे जा रही है, तू बैठ के बात तो सुन ले यार, प्लीज माफ कर दे। नहीं है मेरे पास अभी यार कोई पैसे। मेरे घर वालों पे तेरे को आगे दो नाम लिया अपनी जुबान से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे को आगे घर गिरवी रखे 2 लाख रुपए दिए, गहने सब तेरे पास है, बाकी 3 लाख रुपए कहाँ से करूँ मैं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी कर, ठीक है ना? मुझे मेरे पैसे चाहिए, पैसे दे मुझे लाके, ये तो दफा हो यहाँ से, चल चल यहाँ से खड़ा हो। यार माफ कर दे, बैठ के बात तो कर ले। क्यों कर लूँ मैं बात? दे दूंगा मैं पैसे बाद में तेरे को, अभी नहीं है मेरे पास पैसे यार। तू यार लड़ाई करने आई हुई है, बैठ के बात तो सुन ले ना। तू कर रही है इतने दिनों से, खत्म है, ठीक है ना? भूल गई सब कुछ? हाँ मैं सब कुछ भूल गई, मुझे बस मेरे पैसे याद है, मुझको मेरे पैसे दे। अब पैसे के पीछे पड़ी है घर पे यार, मम्मी कब से बीमार पड़ी पड़ी है, तेरे को घर नहीं आना, एक बार घर तो आके माँ से तो मिल ले। लगता तुझे पता नहीं, अभी मैंने झूठा केस डाला तेरे ऊपर दहेज का, और अभी तेरा छोटा भाई भी 15 साल का, उसके ऊपर भी कर सकती हूँ। अब तो ऐसा कर, और क्या भूल गई तू? उसने कितना कुछ किया तेरे लिए यार, माफ कर दे। क्यों कर रही है? गलती कर दी। क्या किया है? नहीं है मेरे पास पैसे यार। भाई पे मैं केस डालूं? तू चाहता है? नहीं यार, भाई सिर्फ 15 साल का ही है, उसे बचाना चाहते हैं तो पैसे लिया।
यार अभी माफ कर दे, बैठ के बात तो सुन ले, बैठ के बात तो सुन ले, गलती होगी नहीं, बैठ के बात तो सुन ले यार। पीछे रह यार, मुझे पैसे चाहिए। दे दूंगा मैं पैसे, नहीं है मेरे को बचाना चाहता तो पैसे लिया मेरे को, पैसे दे दूंगा यार, अभी नहीं है मेरे पास। अभी छोटे पे, अभी छोटा वो पड़ेगा, अभी उसकी सारी जिंदगी खराब कर देगी। तो कह रही हूँ उसकी जिंदगी खराब ना हो जाएगी तुम्हारी वजह से, मेरे को तो क्यों कर रही है उसकी जिंदगी खराब, मत करना उसकी जिंदगी खराब, क्यों केस डाल रही है? अभी छोटा है बेचारा वो। यार घर में माँ भी मार है यार, बाप भी मार हुआ पड़ा तेरी परेशानी से। उन्हें भी अंदर डलवा दूं? माँ भी मारे, बाप भी मारे, चाहता है क्या तू मैं अंदर डलवाऊं उन्हें भी? यार क्यों कर रही है तुम्हारे सबके फैमिली के साथ ऐसा? यार माफ कर दे यार प्लीज यार, दूर रह पहले तो तू, ठीक है ना? तू बैठ के बात तो कर ले, दूर क्यों जा रही है? पता नहीं यार मैं तेरा यार, मुझसे दूर रह तू पहले तो। यार इधर आके बैठ के बात तो कर ले, इधर बैठ तो जा एक बारी, ये टच क्यों कर रहा है? इधर बैठ तो, यार बैठ के बात तो कर ले, पूरा लोग देख रहे हैं यार। दे दूंगा पैसा अभी नहीं है। नहीं तू चाहता है क्या कि तेरे माँ भी बाप भी जो बीमार है वो भी यार, अभी जाके ना अभी तेरे भाई का भी नाम लिखवा के आती हूँ मैं जाके। यार तू क्यों छोटे भाई का मेरा पूरा जिंदगी खराब कर रही है? अभी वो पढ़ रहा है यार, तो पैसे ला दूंगा ना, अभी नहीं है मेरी बहन की जब शादी थी तेरे को, इतना कुछ मत ले, ठीक है ना? इतने कपड़े लेके दिए, इतना कुछ लेके दिया तेरे को, तब मैंने पैसे का कुछ बोला? तेरी जबान से मेरे घर वालों का नाम आना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? तू मेरे घर वालों को इतना कुछ क्यों बोल रहा है? यार मार क्यों रही है? लोग देख रहे हैं यार, देख रहे थे लोग, देख रहे तो क्या हरकत कर रही है? क्यों हाथ उठा रही है उस पे? क्यों? मेरा हस्बैंड है वो, तो यहाँ पार्क में बुला के मारेगी उसे? मारूंगी भी, जैसे पैसे नहीं दिए इसने मेरे। दे दूंगा ना पैसे तेरे। किस चीज के मांग रही है? तेरा हस्बैंड जितनी कमाई है सारी तेरी है? कौन सी इस ये अपने क्या कमा रहा है? पूछना जाना क्या कमा रहा है? अभी नहीं है नौकरी, तक कमा रहा था ना इससे पहले, तो सारा कमा रहा था, तुझे ही दे रहा था ना सब। इसकी माँ भी ऐसी, इसकी बहन भी ऐसी, सारे के सारे हराम। कौन है ऐसा रही है तो उनके साथ कितने दिन रही है? हाँ तो जब वो सारा कर रहा था तुझे शर्म नहीं? तभी छह महीने से घर भी नहीं आई, तो छह महीने से क्या कर रही है तू अपने घर में पढ़ के? इसके साथ रहती मतलब अच्छे टाइम में तू इसके साथ रहेगी, बुरे टाइम में तू अपने घर चली जाएगी? जब बुरा टाइम आया तो तू इसके साथ रहती क्यों? इसके साथ क्यों वाइफ ना तू इसकी? पैसे की सारी वैल्यू दे, शर्म ना रही तुझे? रिश्ता ना पता ना, पति परमेश्वर होया करे, पता ना तुझे? इतना ये परमेश्वर के लायक नहीं है। तो कमाता जो कमाता नहीं उसके पास मैं क्या करूंगी रह के? तो अबे अभी तो ना कमा रहा, कौन सा ना कमा रहा, तो बाद में कमाने लग पड़ूंगा ना मैं, दे दूंगा। तो को शर्म नहीं आती? मैं कमाने जाती हूँ, तू घर में बैठा रहता है। बैठ के बात कर, तुझे शर्म आनी चाहिए जब तेरा हस्बैंड लग रहा है। तुझे इतना ना हुआ कि तू इससे बात कर ले? छह महीने से क्या कर रही थी और कहाँ घूम रही थी तू? ये बता कहाँ घूम रही थी छह महीने से, जब इसके माँ बीमार बाप बीमार, सिर्फ तेरी इसी हरकतों की वजह से कि तू ना आ रही है? और किसकी हरकत? मुझे पता ना क्या सोची, सारी बातें बताती मुझे, सारे गहने लेके गई है। मैंने तेरी मैं दिखाऊंगा तुझे कौन हूँ, यहाँ से भागते हुए जाएगी अगर मैंने तुझे दिखा दिया मैं कौन हूँ। हाँ याद रखिए, तेरे जैसे को ठीक करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा? जो तेरी हरकत है ना, पैसे क्यों मांग रही है? इससे तूने 2 लाख रुपए की जरूरत होती ना, जरूरत होती तब मांगती ना, तो इससे पैसे घर में बैठ के वहाँ बैठी है अपने मायके में, तुझे शर्म नहीं? तेरे माँ बाप ना समझा रहे तुझे, सारे गहने लेके गए हैं। हाँ इसके माँ बाप पे तू 1 घंटे से जा रही, जब कुछ ना फर्क पड़ा तुझे? तू इसके माँ बाप को मारने को तैयार हो रही है कि मर जाए वे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अब तेरे माँ बाप को इतना सा बोल दिया बुरा लग रहा है? इसके माँ बाप ना है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे दिए इसको मैंने। 1 रुपया भी ना देने का, जा ले ले जिससे लेने हो, 1 रुपया भी ना देने का। देख ले तेरा बाप कैमरा लेके खड़ा, बकवास ही मत करती है मुझसे। ये कैमरा तुमने लगवाया? हाँ इसने लगवाया है कैमरा। तुमने क्यों लगवाया? ओ तुझे मैं कह रहा हूँ यहाँ सारी रिकॉर्ड हो गई, जो भी तूने बोला ना इसे, और जो झूठा केस की एक्सेप्टेंस ली है ना तूने कि मैंने झूठा केस करा, सब रिकॉर्ड है। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ के बात कर ले, तुझे छोड़ सकता हूँ वरना याद रखे यहीं से थाने लेके जाऊंगा। इसको पूछो 2 लाख दिए मैंने, नहीं दिए? 2 लाख रुपए दिए थे इसने, नहीं दिए थे? तुझे अगर जरूरत थी तो मांगता, हस्बैंड है तेरा, सारे गहने देता तुझे। तुमने लगवाया कैमरा? हाँ कैमरा लगवाया इसने। तुमने कैमरा? तेरी हरकत झूठा जो केस लगाया उसके लिए इसने ये करा ये रिकॉर्ड, और तेरे जैसे न जाने कितनों को पर्दाफाश कर दिया। रोबिन के प्रैंक नाम से चैनल है, ध्यान रखिए, यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो आएगी और थाने पे भी जाएगी। बंद होने का कैमरा, चुपचाप कह रहा हूँ, बैठ के बात कर ले, हाथ भी ना लगाना चाह रहा हूँ मैं तेरी हरकतें देख के। चल बैठ कर लो, बैठ के बात कर। जब यो तेरा हस्बैंड ही है ना, तुझे कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? तू 6 महीने से इससे मिली ना, बात ही ना कर रही है, है? ना फोन उठा रही। माँ बाप ने दिख रहे थे तुझे? इसने पैसे ले रखा है, तेरा पैसा, इसका पैसा वो, और इसने घर गिरवी रख के तुझे 2 लाख रुपए ना दिए?
गहने सारे इसके पास है। अभी भी शर्म ना रही तुझे? ये कैमरा बंद करवा पहले। कैमरा बंद ना होने का, कैमरा बंद ना होने का, शांति से सुन ले, बता रहा हूँ यहाँ से, वरना अभी लेके जाऊंगा थाने में, याद रखिए, मेरा दिमाग मत खराब कर। माफ कर दो। क्या माफ कर, अब क्या एकदम से माफी मांगने लगी तू? हो गई 10 मिनट में ठीक हो गई? तुझे पता है ना वीडियो शूट हो गई। यार इसके, मैं इसकी बात का नहीं विश्वास करूंगा। आप इसकी ना क्या था, वो जो केस लिया उसने बस कोला वापस ले। केस वापस करेगी या नहीं करेगी? मुझे ये पहले भी एक दो बार हो चुका है, ये नहीं बात नहीं मानती। अच्छा तो इसने जो पैसे लिए थे तब भी यही बोला था? हाँ तब भी ये बोला था, तब भी 3-4 बार चला था, फिर से आ गया, मेरा केस वापस करवा दो बस। तू ऐसे ही उस टाइम पे भी कह के गई थी ना जब पैसे लिए थे तूने, घर से बात करके आ रही है। शाम तक आ जाऊंगी, शाम आ जाऊंगी। सुन ले, मेरे को चाहिए नहीं है, मेरे को नहीं बुलाऊंगा इसको, बस केस वापस ले ले। यो ना लेके जाऊंगा तुझे, यहाँ रोक के रख भाई इसे, चल उधर उधर पकड़ के रख भाई, बैठ भी बैठ। मेरे को नहीं रहना भाई इसके साथ, यहाँ इसको बोलो केस वापस करवा दे। सुनो वो यहीं है, मुझे उसका हाल जो लग रहा है कि वो अपने माँ बाप से मिल के और फिर कुछ एक्शन ले। गाइज मैंने उसे यहीं रोक के रख लिया है, ठीक है। इस वीडियो को मैं इसको भाई को दे दूंगा और इसके बाद में फिर हम उस इस लड़की को उसके माँ बाप के पास लेके जाएंगे, बुलाएंगे उन्हें कह रही, ठीक है। फिर वहाँ से थाने, देखो मैं चाह रहा हूँ कि अगर रिश्ता बचने वाला है ना बच जाए, तुम्हारी फैमिली दोनों की बैठ के बात कर ले, हम वहाँ होंगे, ठीक है। इसमें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसका वीडियो का प्रूफ आ गया, अगर नहीं भी मानेंगे उन्हें थाने में जाके तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, ठीक। केस तो ये ख़त्म होने ही होने हैं, ठीक है। बस मेरा केस करवा देना। हाँ बस टेंशन मत लो, ये हो जाएगा, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ अभी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, हेल्पिंग वीडियो है, ठीक है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, ठीक है गाइज। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जहाँ भी देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम का यहाँ आइकन दिख रहा होगा, ऐसा कोई परेशान हो, ठीक है, वहाँ पे आओ, वहाँ के हमें मैसेज करो, फॉलो कर लो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ हम कोशिश करें धीरे धीरे सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल। चल भाई अब वीडियो देता हूँ।